हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो आपके लेके आए हैं रियलमी बुक स्लिम का, जो कि हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो फ्लिपकार्ट पे भी सेल चल रही थी बहुत ही गजब की, उसी सेल में हमने इसको ऑर्डर किया था। तो दोस्तों, आज इसके बारे में बात करेंगे और इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं बॉक्स की। तो बॉक्स दोस्तों हमारे को इस तरीके का बॉक्स मिलता है, काफी छोटा सा बॉक्स है, ज्यादा लंबा चौड़ा बॉक्स नहीं है। का मॉडल नेम, जनरल नंबर, कलर कौन सा है ये? तो दोस्तों, मैंने जो मंगाया वो रियल ब्लू कलर है और मेरा जो है ये i5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल i5 जीबी की स्टोरेज मिली है, 512 जीबी की। पीछे इन्होंने लिख के दिया सारी बातों को। इन साइज दोस्तों जो हमें इसमें मिलता है वो हमारा 14 इंचेस का। नेट वेट जो हमारे लैपटॉप का है वो है 1.8 kg और ग्रॉस वेट जो मिल जाता है इस बॉक्स का, पूरे बॉक्स का जो वेट हमारे को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे लिख के दिया है 2.35 kg का है। इस तरीके से देखिए आपको लिख रहा होगा और यहाँ पे प्राइसिंग भी मेंशन की हुई है बॉक्स पे, जो हमारे लिख के दिया दोस्तों वो है 70,000 रुपये करीब, ऑल टैक्सेस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। चलिए ज्यादा देर ना करते हो, वीडियो को शुरू करते हैं और इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं किस तरह की क्वालिटी हमारे को मिल जाती है। खुल जा भाई, इसको खोलने में इतना ही टाइम लगता है जितना मेरे को लग रहा है। तो इसको हटा देते हैं साइड। तो ये हमारा लैपटॉप जो ऊपर रख के दिया हुआ है, यहाँ से इसको निकालते हैं इजीली। काफ़ी देखने में छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको 2 मिनट साइड रखते हैं। अंदर तीन सेक्शन हमारे को मिल जाते हैं, 1, 2, 3। पहले फर्स्ट में देख लेते हैं क्या क्या इसमें हमारे को। एक यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड हमारे को इसमें देखने को मिलती है रियलमी बुक की। अंदर रखते हैं, हम तो पहले से ज्ञानी है दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान हमारे को नहीं चाहिए इससे। इधर देख लेते हैं क्या मिलता है हमारे को। तो इधर हमारे को मिलता है एक एडेप्टर, तो C2C केबल भी हमारे को इसमें एक मिलनी चाहिए। हाँ, इस तरफ हमारे को इसमें एक C2C केबल मिल जाती है, ये हमारे को इसमें केबल मिलती है दोस्तों। ये ज़्यादा लंबी केबल मेरे को नहीं लग रही है, ये 1.5 मीटर का राउंड है शायद, देख लेते हैं कितनी बड़ी केबल है ये। तो ये 2 मीटर की लगभग केबल मिल जाती है, हाँ 2 मीटर की, ज़्यादा लंबी केबल नहीं है। आपको मतलब पास ही, ज़्यादा दूर नहीं बैठ सकते हो लैपटॉप लेके, पास नहीं बैठना पड़ेगा। तो C2C केबल आपको मिलती है, इस तरीके से आप इसमें लगाएंगे और चार्ज कर पाएंगे। ये जो इसका अडेप्टर है 65 वाट का अडेप्टर हमारे को इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। बिल्कुल सेम अडेप्टर मेरे 1+9 Pro का भी आता है, ये मेरा 1+9 Pro है, इसका भी अडेप्टर बिल्कुल सेम है, इस तरीके का ही बिल्कुल सेम अडेप्टर है। अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं, वरना दिखाता आपको मैं। तो अडेप्टर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, इससे हम फोन वगैरह भी चार्ज अपना कर पाएंगे। तो इसको हटा लेते हैं, बात कर लेते हैं फिर अपने लैपटॉप की दोस्तों। ये अपना लैपटॉप, इसको खोल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों बताना देख के आपको ब्लू कलर कैसा लगा। दो कलर में आता है, एक आता है रियल ब्लू और एक आता है रियल ग्रे, दोस्तों दो ही कलर में अवेलेबल रहता है। इधर आपको रियलमी की ब्रांडिंग लिख के मिल जाती है, पूरी एल्यूमिनियम बॉडी में ये मिलता है आपको और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा और कम्फर्ट लग रहा है। हाथ में आराम से इसको मैं उठा पा रहा हूँ, ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नीचे की तरफ आपको दिखाऊँ तो इधर मिलती है हमारे को रबड़ की पैडिंग, इधर हमारे को फैन वगैरह के लिए जगह दी गई है और इधर हमारे को मिलते हैं 2 स्पीकर, एक इधर। और इस तरफ हमारे को 2 C-पोर्ट मिलते हैं, एक इंडिकेटर लाइट मिल जाती है यहाँ पे, इससे हम चार्जिंग करेंगे, इसको हम एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी साइड बात करूँ तो दूसरी साइड हमारे को एक मिल जाता है USB पोर्ट और एक मिल जाता है हमारे को 3.5mm जैक। तो दोस्तों लैपटॉप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा हैंडी और बहुत ही छोटा सा है। बिल्कुल दोस्तों ये मैकबुक की तरह बनाया गया है, बिल्कुल मैकबुक की तरह ही लग रहा है देखने में। तो दोस्तों इसको फटाफट से ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह की क्वालिटी इसमें हमें मिल जाती है। तो इसको मैंने खोल लिया है, तो ये हमारा लैपटॉप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये इसको हटा देते हैं। तो इसको हम दोस्तों कितना फोल्ड कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। 170 डिग्री तक ये जाता है, 180 तक नहीं जाता है ये, 170 डिग्री तक आप इसको इस तरीके से मोड़ सकते हो और विंग एंगल को अपने बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इधर हमारे को रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, टच पैड बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, छोटा नहीं लग रहा है। इधर 2 बटन हमारे को मिल जाते हैं, राइट और लेफ्ट। सेटअप वगैरह मैं आप इसको पहले कर चुका हूँ दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाऊंगा और ये क्लियरली ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करूंगा जैसे ही और ये हमारा खुल गया है, ओपन हो गया है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने इसमें विंडो 11 पे इसको अपग्रेड कर लिया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मेरा जो विंडो 10 आया था और ये अपग्रेड, जैसे मैंने इसको ओपन किया इसमें अपडेट आ गया था, विंडो 11 में मैंने इसको अपग्रेड कर लिया और ये काफी स्मूथ है दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस काफी स्मूथ लगी मेरे को। 2K पैनल है तो इसमें वीडियो एंगल भी बहुत जबरदस्त लगते हैं देखने में और आपको चला के दिखाता हूँ मैं ये वीडियो। इसमें 400 nits की ब्राइटनेस हमारे को देखने को मिलती है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ से F6 से और F5 से इसको कंट्रोल कर सकते हो। F6 से ये बढ़ती है और F5 से कम हो जाती है, तो मैं इसको कभी कम कर लेता हूँ, देखो कितनी कम हो गई है। अब इसको बढ़ाते हैं तो जिस हिसाब से आप चलाना चाहो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ दोस्तों, जब हम इसमें यूट्यूब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को बेजल्स कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं, जो क्योंकि ये इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 14 इंची का है दोस्तों, और तो डिस्प्ले साइज की वजह से हमारे को जिस तरीके व्यूइंग एंगल दिखते हैं आपको शायद पहली बार दिक्कत हो सकती है।
आपको शायद पहली बार दोस्तों इसको देखने में कुछ अजीब लगे, पर आप धीरे धीरे इसको यूज करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा अंधेरा करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। तो इसको भी ओपन करता हूँ, तो देखिए अभी अभी भी इसमें लाइट जल रही है, शायद आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर अगर मैं F7 को प्रेस करूँगा तो ये तेज हो जाता है, फिर ये कम हो जाता है और ये बंद भी हो जाता है। जैसे अभी ये जल रही है, अभी ये बंद हो चुकी है, कोई लाइट इसमें नहीं जल रही है इस टाइम। और अगर जो मैं इसको एक बार और दबाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगी, ये हल्के हल्के बेसिस पर जल रही है इस टाइम। और अगर एक बार और दबाऊँगा तो ये काफ़ी तेज ब्राइट जलने लगती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर के बारे में, किस तरह के स्पीकर हैं। तो दोस्तों दोनों स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो हमारे को नीचे यहाँ पे देखने को मिलती है, एक इधर और एक इधर, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों स्पीकर इस तरफ के हमारे को मिल जाते हैं। हरमन कार्डन के स्पीकर इसमें आते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लाउड है और बहुत ही अच्छी साउंड हमारे को निकाल कर देते हैं। मैं आपको बजा के भी दिखा देता हूँ कुछ इसमें, इसका साउंड आपको चला के दिखाता हूँ किस तरह का साउंड है। तो ये दो स्पीकर दोस्तों हमारे को मिलते हैं, आपको दिख रही है आवाज़ किस तरह की है। F8 जो हमारा म्यूट के लिए काम करेगा, F9 जो म्यूजिक आवाज कम करने के लिए काम करेगा। जैसे आपको आवाज कम करनी है तो आप इसको दबा कर रखो, आवाज कम हो जाएगी। और F10 से आवाज आप बढ़ा सकते हो। ये शॉर्ट चीज है जो इजी तरीके से काम करेंगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह की क्वालिटी हमारे को इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की साउंड क्वालिटी मिल जाती है। साउंड बहुत ही ज्यादा क्लियर है और बहुत ही जबरदस्त है, वीडियो वगैरह देखने में आपको बहुत मजा आएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बाकी इसकी जो डिस्प्ले है ना, बहुत ज्यादा मतलब ग्लोसी सी डिस्प्ले है, मेरे को वही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि भाई एकदम ग्लोसी सी डिस्प्ले दी है। बाकी आप व्यूइंग एंगल आप किधर से भी देख लो, डिस्प्ले आपको कहीं से भी फेड नजर नहीं आएगा, किधर से भी आप देख लो हर तरीके से आपको डिस्प्ले बढ़िया ही नजर आएगा, फेड कहीं से नहीं दिखने वाला आपको। हर तरफ से मैंने इसको चेंज करके देख लिया, डिस्प्ले हमारे को हर तरीके से विजिबल रहता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से फेड हो जाए। तो 60 हर्ट्ज़ का इसमें रिफ्रेश रेट हमारे को मिलता है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। वाईफाई हमारे को 6 मिलता है इसमें, ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, 3.5 mm का जैक भी हमारे को इसमें मिल जाता है, आपने देख ही लिया होगा पहले ही, शुरुआत मैंने दिखा दिया था, 3.5 mm का जैक मिल जाता है। आप इसमें कोई भी लीड वगैरह लगा सकते हो आराम से और म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। और पोर्ट हमारे को इसमें दोस्तों एक ही मिलता है, USB का टाइप ए पोर्ट जो मिलता है हमारे को एक ही मिलता है इसमें। सी पोर्ट हमारे को इसमें दो मिल जाते हैं, आपने देख लिया होगा पहले वीडियो में। और फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह तो यहाँ पे मिल जाता है आपको पता ही है। VGMI का कोई पोर्ट हमारे को इसमें नहीं मिलता है। बात कर लें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इंटेल कोर i5 11 जनरेशन हमारे को इसमें मिल जाता है, 2.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर हमारे को देखने को मिलता है। जो इसमें हमारे को रैम मिल जाती है वो 8 GB की LPDDR4X रैम मिलती है, 512 GB की SSD इसमें हमारे को मिल जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी हमारे को खाली मिलती है, कितनी हमारे को फुल मिलती है। आपको दिख रहा होगा 375 GB हमारे को इसमें मिल जाती है फ्री, बाकी सारी हमारी यूज रहती है 100 GB। तो दोस्तों कोई भी ग्राफिक कार्ड हमारे को इसमें देखने को नहीं मिलता है, इसमें हमारे को इंटेल का आईरिस EX ग्राफिक मिलता है। तो गेमिंग के मामले में दोस्तों इतना बढ़िया नहीं रहेगा ये, नॉर्मल गेमिंग आप अगर करना चाहोगे तो नॉर्मल गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। दोस्तों फ्रंट में हमारे को यहाँ पर एक कैमरा इसमें मिल जाता है, दिख रहा होगा आपको, बहुत ही छोटा सा होल दिया हुआ है कैमरे का, और एक LED इंडिकेटर भी यहाँ पे दिख जाता है। मैं आपको भी कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कैमरा मिल जाता है, यहाँ पर हमारे को इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। तो ये आपको दिख रहा होगा किस तरह की इसकी एवरेज एवरेज सी क्वालिटी है, मैं आपको फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ अभी के भी। तरह की क्वालिटी इसमें देखने को हमारे को मिल जाती है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपको कोई वीडियो कॉल लेना है या कुछ लेना है तो उसके लिए बढ़िया है, कहीं भी आप ले आ सकते हो, कहीं से भी कैसे भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह की क्वालिटी मिल जाती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके सब कुछ पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका एक फुल रिव्यू वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, तो आप लोग देख लेना वो किस तरीके का है। और दोस्तों आपको बताना था, मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो मैंने ये दो पाउच भी ऑर्डर किए थे इस तरीके के, दो बैग भी मैंने इनको ऑर्डर किया था, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। तो मेरे को दोस्तों इसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया लगी, ये अंदर से भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इसको मैं रख के दिखाता हूँ इसमें, तो इस तरीके से इसमें आ जाता है और ईजिली इसमें फिट भी हो जाता है दोस्तों, तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसमें हमारे को पॉकेट मिल जाती है कुछ भी सामान रखने के लिए, दो पॉकेट एक इधर दो पॉकेट हमारे इसमें मिल जाती है। बाकी अंदर से मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा, अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है तो मेरे को बेकार लगा। इसकी क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लगी, जल्दी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे इससे, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो बाकी दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं।